हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ माय बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। वांगचू विभूषण और लंचरन और निहाय सिंह को लंचरन ने दो देशों के लिए घूमने के लिए 10 दिन का टाइम दिया होता है। और कुदरती वो जहाँ जा रहे होते हैं, पहली जगह बहुत ही ज़्यादा ठंड से भरी हुई होती है, बहुत ही ठंड की जगह होती है, जहाँ पे दूर दूर तक काफ़ी बड़ी बड़ी वादियाँ और बहुत ही ठंडा मौसम था। जैसे ही विभूषण और निहाय सिंह उस जगह पहुंचते हैं, उन दोनों की तो ठंड से कुकड़ी जम जाती है। वो अपने अपने अल्फाज को ज़ोर से हक करते हैं और कहते हैं, हस्बैंड यहाँ पर तो हम मर ही जाएंगे, कितनी ठंड है। लवांगची और लंचरन अपने अपने ओमेगास को हक करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, हम लोग हैं ना। क्योंकि लवांगची और विभूषण घूसू जैसे ठंडे इलाके में रहते थे तो उन्हें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन विभूषण उसे तो बहुत ठंड लग रही थी। वो लवांगची को हक करे रखता है 24/7। और वो लोग जैसे ही अपने होटल पहुंचते हैं, लवांगची गर्म पानी के लिए एक बाथटब तैयार करता है और लंचरन भी, दोनों ओमेगा और अल्फा अपने अपने रूम में होते हैं। और वो दोनों के दोनों, लंचरन और निहाय सिंह, लवांगची और विभूषण अपने अपने ड्रेस को चेंज करते हैं। वो लोग ल्यूकवार्म वाटर के अंदर अपनी बॉडी को सोक करते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से ट्रैवलिंग कर रहे थे और थकान से उनकी दोनों की बॉडी काफ़ी पेन में थी। वो लोग रिलैक्स होने के लिए एक साथ अल्फा ओमेगा अपने अपने पार्टनर के साथ जो हैं वो शेयर करते हैं बाथटब। वो आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स होकर सोक कर रहे होते हैं। लवांगची की चेस्ट पे भी विभूषण लेटा होता है और वो अपने लवांगची की चेस्ट पे लिटिल लिटिल प्यारे प्यारे क्यूट से किसेस कर रहा होता है। लवांगची विभूषण की बालों के साथ खेल रहा होता है और कहता है, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, पता नहीं, बट मेरा तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। यहाँ पर लंचरन भी दोनों निहाय सिंह के साथ न्यूड होकर बाथटब में लेटे होते हैं। निहाय सिंह उनकी गोद में उन्हें उसकी बैक फेस कर रही होती है और वो उनके ऊपर लेटा होता है और जयवचन के हाथों को अपनी बैली पर रब कर रहा होता है। जयवचन कहते हैं, निहाय सिंह क्या हुआ। निहाय सिंह कहता है, आई लव यू जयवचन। तो जयवचन कहते हैं, आई लव यू टू माई हस्बैंड। और वो टाइटली सा हक कर लेते हैं निहाय सिंह को। यहाँ पर लवांगची विभूषण को टाइटली हक करके उसे लिपकिस कर रहा होता है और दोनों की लिपकिस इतनी हॉट हो जाती है, इतनी एक्सट्रीम हॉट कि उनके बीच का वो जो इविलनेस थी ना, वो जो रोमांस था, वो जाग उठता है। वो दोनों बाथटब के अंदर ही वाइल्ड होने लगते हैं। लवांगची ने विंग को अपनी तरफ फेस करके अपनी गोद में बैठा लिया था और दोनों एक दूसरे को हंगरीली किस कर रहे होते हैं। लवांगची विंग को उसके बम से टाइट पकड़ता है और दोनों वहीं पे अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को अंजाम देने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सेम लंचरन और निहाय सिंह के साथ होता है। लंचरन काफ़ी घबरा रहे थे अपने ओमेगा को इस सिचुएशन में अप्रोच करने के लिए, लेकिन निहाय सिंह यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड होता है। वो समझ जाता है उसका हस्बैंड क्या चाहता है। वो जयवर्जुन की तरफ पलटता है और उन्हें एक प्यारी सी लिटिल, बहुत ही क्यूट सी वेट किसेस देने लगता है। और यहाँ पर इन दोनों का भी मन बदल जाता है, दोनों के बीच रोमांस होना शुरू हो जाता है और डेली नाइट एक्टिविटी कहीं ना कहीं डेली इवनिंग एक्टिविटी में बदल जाती है। यहाँ पर दोनों ही अल्फा ब्रदर्स अपने अपने ओमेगा को बहुत प्यार से बाथटब के अंदर रोमांस करते हैं और उसके बाद बाथटब से वो उन्हें क्लीन करके बेड पे लाते हैं और बेड पे भी दोनों अल्फा अपने अपने ओमेगास को काफ़ी प्यार से, फिर पैशनेटली और उसके बाद ब्रूटली उन्हें अपना प्यार जताते हैं, उन्हें किस करते हैं और उनके साथ सब कुछ करते हैं। शाम को जब दोनों ओमेगा बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं और अपने अपने अल्फाज की बाहों में लेटे होते हैं, विभूषण लवांगची से कहता है, सच में तुम बहुत बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो, तुम्हें देख के लगता नहीं था कि तुम इतने वाइल्ड होगे। और निहाय सिंह भी जयवचन से कहता है, जयवचन आपको देख के कभी लगा नहीं था कि आप जितने शांत हैं बेड में उतने ही फियर्स होंगे। तो लंचरन कहता है, हम लेंस की एक खासियत है, हम जितने शांत देखते हैं बेड में हम अपने पार्टनर को उतना ही ज़्यादा ब्रूटल, प्यार से, पैशनेटली प्यार करते हैं। लवांगची विभूषण को जो है वो अपनी चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के लिए कोई डिज़ायर नहीं रखा, और अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। विंग जो है वो
फटाफट से क्विल्ट को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, पर यहाँ बहुत ठंडी है सच में, मैं तो जम ही जाता हूँ। लवांग जी कहता है, तो फिर हम एक राउंड और कर सकते हैं। विंग कहता है, नहीं मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है अब और नहीं, चलो ना हम लोग कुछ खाने पीने चलते हैं और जिवजन को भी बोल दो, वो भी निहुए सिंह के साथ आ जाएंगे। लवांगची कहता है ओके। वो अपने फ़ोन से लेन चिचन को फ़ोन करता है और उन्हें अपने ओमेगा के साथ नीचे आने के लिए कहता है। ये सारे के सारे नीचे बहुत हरी भरी वादियों में जहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही होती है, बिल्कुल वहाँ पास बैठे ही एक बड़े से ग्राउंड में चाय का लुफ्त उठा रहे होते हैं और थोड़े थोड़े गरम गरम स्नैक्स पकोड़े वो खा रहे होते हैं। और विभूषण लवांगची को हक करके बैठा होता है। सामने वाले एक बड़े से सोफे पे लेन चिचन भी निहो सिंह को हक करके बैठे होते हैं। इनके बीच बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और दोनों ओमेगा एक दूसरे को स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को भी पता होता है कि उनकी बैक कितनी बुरी तरह से दुख रही है। लवांगची विंग की बैक पे हाथ फेरते हुए उसे सूदिंग सा जो पेन हो रहा था उसे कहता है कि तुम विंग, तुम मेरी गोद में लेट सकते हो। विंग जो है वो लवांगची की तरफ सर करके उसकी गोद में लेट जाता है और जो हमारे जवचन होते हैं वो भी निहुए सिंह को कहते हैं, आई नो बेबी मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, आ जाओ तुम भी रेस्ट कर लो। निहुए सिंह भी अपने अपने ओमेगा को ज़ोर से हक करके वहीं लेट जाता है। दोनों ब्रदर एक दूसरे से शर्म खा रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही जानते थे उन्होंने अपने अपने ओमेगा को कितनी ब्रूटली जो है वो क्लेम किया है। आफ्टर मैरिज ये कोई पहली बार नहीं था लेकिन उन्हें हर बार ऐसा लगता था जैसे ये ही फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है। और जियांग यानली यहाँ पर ट्रांजिशन का वेट कर रही होती है। उन्होंने भाग के शादी तो कर ली थी लेकिन मैडम लैन ने अभी इस शादी को अनुमति नहीं दी थी क्योंकि ट्रांजिशन का करेक्टर थोड़ा सा कैसेनोवा होता है और अभी उसने यानली को मार्क भी नहीं किया हुआ था। तो इसलिए मैडम यू मैडम जिन से मिलती हैं और शादी की प्रॉपर बात करती हैं, वो उस शादी को नहीं मानती थी जो उन्होंने भाग के की थी। वो चाहती थी कि अब जैसे कि लेंस की शादी हुई है, जिन्स की शादी भी और जियांग्स के साथ ऐसे ही हो, धूमधाम से पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि शादी हुई है और उसके बाद जिनजुशन हमारी जियांग यानली को मार्क कर सकता है। दोनों जियांग्स और जिन के बीच रिश्ता तय होता है शादी को लेके। और यहाँ लवांगची विभूषण और जवजुन और तो और निहुए सिंह एक लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। हल्की हल्की स्नोफॉल और इतनी प्यारी ठंडी वादियाँ, उसके बीच में एक कार चलती हुई वादियों में से इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। विभूषण खिड़की खोलकर बाहर देखने लगता है तो लवांगची कहता है ठंड लग जाएगी, वो खिड़की को बंद करता है पर विभूषण तो विभूषण था, वो कहता है लंजा प्लीज़ मुझे बाहर देखने दो, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। लंजा पीछे से उसे ब्लैंकेट ढकते हुए अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वो विंग के जो शोल्डर होता है उस पर अपना फेस रखता है और कहता है, विंग को ये नज़ारा पसंद आया। विंग कहता है, माना यहाँ ठंड बहुत है लेकिन ये सच में बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम यहाँ पर एक प्यारा सा स्नोबॉल का हम यहाँ पर कोई चीज़ बनाएं, कोई टेडी बियर टाइप में। लवांगची मान जाता है, विभूषण निहुए सिंह जो है वो स्मर्क करते हैं और बाहर निकलते हैं। वो दोनों के दोनों एक प्यारा सा स्नो टैडी बनाते हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा होता है वो स्नो टैडी, और एक लवांगची के लिए होता है और एक जो होता है लंच किचन के लिए होता है। फिर वो दोनों स्नो की एक बॉल बना बना के अपने अपने अल्फाज को ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। लवांगची जो है विभूषण को कहता है विंग और जयवजन हंस रहे होते हैं। जयवजन भी छोटी सी स्नो बॉल बनाते हैं और अपनी ओमेगा को मारने लगते हैं। तब निहुए सिंह विंग घटता हुआ कहता है, जयवजन ये कोई बात नहीं होती, आप लोग स्ट्रांग हैं, आप हम ओमेगा को बुली नहीं कर सकते। विंग भी लवांगची को ज़ोर से एक स्नो बॉल मारता है और कहता है, देखा तुम अल्फा मुझे बुली नहीं कर सकते पर मैं तुम्हें बुली कर सकता हूँ। वांगजी कहता है विंग का पूरा हक है। विंग हंसता है और कहता है ठीक है फिर एक और बॉल खाओ, और वो फिर से एक मोटी सी बॉल बनाता है और लवांगची को दे के मारता है। इस बार वो लवांगची के बम पे दे के मारता है। फिर लवांगची को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो भी एक स्नो बॉल बनाता है और विंग के बम पे दे के मारता है। विंग जोर से चलाता है, ओह लवांगची तुम शेमलेस हो, देखा जयवजन ये मुझे बुली कर रहा है। जयवजन कहते हैं, अच्छा तो तुम मेरे ब्रदर को बुली कर रहे थे, वो कुछ नहीं, मेरे ब्रदर ने एक स्नोबॉल मारी और तुम्हें लग रहा है वो बुली कर रहा है। विंग जो है पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं थक गया मुझे कैरी करो। लवांगची उसके पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। तभी विंग अपने हाथ से बहुत सारी स्नो लेके लवांगची के फेस पे दे के
जोर से ऐसे देख के उसकी नोज पे मारता है और कहता है, तो मुझे बोली कर रहे थे ना, मैंने बदला ले लिया। लवांग जी विंग को वहीं सबके सामने जोर से किस कर देता है। इतनी ज़ोर से वो किस थी कि वो विंग को साइड में ले जाके कार पे पुश करता है और बहुत तेज़, बहुत पैशनेटली और वाइल्डली उसे किस करने लगता है। और वांग जी जो है वो विंग के जो जैकेट पहनी होती है उसके अंदर हाथ डाल के विंग की चेस्ट को प्रेस करने लगता है। विंग कहता है, वांग जी हम रूम में नहीं हैं, प्लीज़। वांग जी कहते हैं, तो क्या हुआ? विंग को अब शर्म आ रही है। विंग फटाफट से उसे पुश करता है और उसकी चेस्ट में अपनी सर को छुपाकर सबके सामने एम्बेरस होने लगता है। वांग जी उसे अपनी एम्ब्रेस में लेते हैं और कहते हैं, विंग आई लव यू। विंग भी कहता है, आई लव यू टू माई हस्बैंड। और फिर वो दोनों अब पहले जिवजुन और निहो सिंह ड्राइव कर रहे होते हैं। अब लवांग जी और विंग आगे बैठे होते हैं, जिवजुन और निहो सिंह बैक साइड में आ जाते हैं। उन दोनों के बीच इतनी प्यारी किस और रोमांटिक जो सेशन था उसे देख के हमारे चिपचुन का भी मन कहीं ना कहीं पिघल रहा होता है और वो निहो सिंह के करीब आने की कोशिश करते हैं। निहो सिंह कहता है, सोचना भी मत, पहले ही मेरी बैग की तुमने इतनी बुरी हालत कर दी है। तो जो हमारे प्यारे चिपचुन होते हैं निहो सिंह की बैग को पुश करते हैं अंदर गाड़ी की सीट पे और उसके ऊपर लेट जाते हैं और वो कहते हैं, ठीक है मैं रोमांस नहीं करूँगा बट मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है। जो हमारा निहो सिंह होता है वो कहता है, यू पावर्ट। और मेरा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस का लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वेंक्शन के फैंस के साथ शेयर कर दें। प्लीज़ गाइस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियोज़ को लाइक करना भी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय।